अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाहीन किचन। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ हैदराबादी बीफ की बिरयानी, जो बहुत अच्छे से और बहुत अलग तरीके से बनने वाली है, जो बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छे से बनेगी। रेस्टोरेंट और ढाबे में भी ऐसे स्टाइल की बिरयानी आपने नहीं खाई होंगी, जो मैं बहुत अलग तरीके से आज आपको बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, मेरा पर्सनली गारंटी इस तरीके से बनाएंगे ना आपका रेस्टोरेंट से भी अच्छा बिरयानी बन के तैयार होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मसाले लिए हैं मैंने कुछ, जिसका मसाले का लिंक ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे आलू को बॉईल कर लेना है सिर्फ नमक डाल के। तो 10 मिनट के लिए आलू को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे गोश्त बनाना है, तो गोश्त बनाने के लिए 200 ग्राम रिफाइन ऑयल मैंने डाल दिया है कुकर में। यहाँ पे लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के कड़कड़ा लेना है आपको। उसके बाद 250 ग्राम प्याज को मैंने काट के अच्छे से रखा है, धो के साफ करके, अब इसको डाल के इसमें प्याज को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम गोश्त ले लिया है बड़े का, इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है, धो के इसको साफ़ कर लेना है गोश्त को। देखिए धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें एक बड़ा नींबू मुझे निचोड़ देना है गोश्त में, नींबू को अच्छे से निचोड़ देना है और गोश्त में सब भी गोश्त में मिला के इसको एक घंटे के लिए रख देना है। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो सारे गोश्त मैंने एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया है। और प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, तो सारा गोश्त इसमें नेमन के साथ जैसे ऐड कर देना है। तो प्याज जब पूरा फ्राई हो जाए, थोड़ा सा बिस्तर के लिए निकाल लेना है। आलू भी मेरा यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए गोश्त को मैंने प्याज में अच्छे से शामिल कर लिया। बस इसमें यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है आपको। और चावल मैंने यहाँ पर 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया है। मैं तीनों काम हो रहा है साथ साथ में, तो बिरयानी पकाने के लिए बस ये तीनों प्रोसेस साथ ही में आपको करना है। देखिए गोश्त अच्छे से भुन रहा है मेरा, मुझे तेल में प्याज में गोश्त अच्छे से भुनना है। 2 टीस्पून भर के मुझे गार्लिक पाउडर ऐड करना है, गार्लिक का पेस्ट सॉरी, और जिंजर का पेस्ट भर के 2 चम्मच आप अच्छे से भर के डाल सकते हैं बड़े चम्मच से। मैंने छोटे चम्मच से डाला है इसलिए 3 टीस्पून डाला है। तो अच्छे से मिला लीजिए मसालों को गोश्त में, और बड़े गोश्त को अच्छा मसालों में मिला के अच्छे से भुनाई करनी है आपको गोश्त से। आलू मेरा बॉईल हो चुका है, छलनी में छाल लिया आलू को मैंने। यहाँ पे 1 टीस्पून गोश्त में चीनी ऐड करनी है भर के आपको, बड़े टेबल स्पून से 2 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच भर के, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है मैंने कलर के लिए। अब इस इसको गोश्त को अच्छे से चला लेना है। देखिए अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम टमाटर लिया है, टमाटर को काट के मुझे इसमें डाल देना है। बस ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं डालना है, थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा करना है और सारे टमाटर को काट के इसमें अच्छे से डाल लेना है। तो टमाटर डाल लिया है, डाल के बस गोश्त को अच्छे से भुनना है और 2 टीस्पून भर के इसमें जायके के अनुसार आपको नमक ऐड करना है और बस गोश्त को मिला देना है। तो हम यहाँ पे आलू बॉईल कर चुके हैं, आलू में नमक ऐड करनी है और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड के आलू को अच्छे से हमें पूरा मिक्स कर लेना है, कलर दे देना है आलू में और बस मिला देना है। देखिए मिला के बस इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम फ्राई करते हैं आलू को। तो पैन चढ़ा दिया अलग मैंने और सारे आलू को इसमें डाल दिया, हाफ आलू करके 2 बार आपको फ्राई करना है और गोश्त को भी यहाँ पर भूनते रहना है। तो गोश्त मेरा अच्छे से पूरा भुन रहा है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा मीठा अदरक ऐड किया है और रोज़ वाटर आपको ऐड करना है 1 कप। आलू को अच्छे से चला देना है यहाँ पे अलग। हमें आलू को अच्छे से कलर में फ्राई करना है चारों तरफ घुमा के। 1 टीस्पून भर के गोश्त में गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करना है। अब गोश्त को देखिए यहाँ पे बिरयानी का एक मसाला है हमारे पास, पर बिरयानी का मसाला मैं ऐड कर ले रही हूँ इसमें। अब बस इसको अच्छे से गोश्त को मिला देना है आपको। गोश्त को अच्छे से भुनना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक गोश्त को भून लेने के बाद यहाँ पर दही ऐड करना है। तो 50 ग्राम से ज़्यादा मैंने दही ऐड की है हमने यहाँ पर। हम यहाँ पे दही ऐड कर लेने के बाद गोश्त को अच्छे से चला ले रहे हैं। तो गोश्त मेरा देखिए अच्छे से भून चुका है। अब पानी, चावल के लिए पानी चढ़ा लेना है। तो वहाँ पे 2 लौंग, बड़े इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ते और 1 चम्मच देसी घी ऐड करनी है और थोड़ा सा आपको तीरा ऐड करना है यहाँ पे।
तो पानी के चावल में थोड़ा सा तीरा ऐड कर दे, इससे चावल का टेस्ट बहुत अलग आएगा फ्रेंड्स, पर्सनली गारंटी, डाल के देखिएगा एक बार। और यहाँ पे 2 टीस्पून भर के यहाँ पे नमक डालना है बड़े चम्मच से आपको। गोश्त में मैंने सीटी लगा दी है 15-20 मिनट के लिए, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे पानी भी बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है, तो बस गोश्त मैंने खोल लिया था, गोश्त पूरा मेरा हो चुका है और बस चावल भी बस बॉईल हो ही रहा है, चावल भी होने वाला है। तो चावल को 80% तक कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। चावल को अलग कर लेना है पानी से। अब और यहाँ तीरा मैं अलग कर ले रही हूँ, यहाँ पे देखिए गोश्त से सारा तीरे को आपको अलग निकाल लेना है हमें। तो मैंने सारा तीरा अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे दही जो है 25 ग्राम के अनुसार दही इसमें ऐड कर लेनी है। थोड़ी सी आपको कलर फूड कलर ऐड करनी है, गरम मसाला ऐड करना है, यहाँ पे दूध ऐड करना है आपको थोड़ा सा। तो दूध ऐड करने के बाद बस इस तीरे में अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर देना है आपको। हम यहाँ पे सारे मसाले को मिक्स कर लिए हैं, अब इसको साइड में रखते हैं। चावल मेरा अच्छे से पक रहा है, तो बस चावल भी पक चुका है लगभग, बस चावल को छन्नी से अलग कर देना है। यहाँ पे फूड कलर तैयार कर लेना है, तो थोड़ा सा गुलाब पानी में मैंने फूड कलर डाल लिया था। अब चलिए दम में लगाने की तैयारी करते हैं। तो जो तीरा बनाया है हमने, उस तीरे को नीचे डालना है, आधा आधा तीरे को नीचे डालना है और बस पतीली के चारों तरफ इस तीरे को अच्छे से फैला लेना है। पतीली को गर्म करके करना है ये प्रोसेस आपको फ्रेंड्स। अब जो गोश्त मैंने बना के रखा हुआ है, सारे गोश्त को इसमें ऐड कर लेना है। सारा गोश्त मुझे आधा गोश्त ऐड करना है और हाँ आधा आलू इसमें डालना है हमें। तो हाफ गोश्त और हाफ आलू इसमें मैंने डाल लिया है नीचे। ऐसे चारों तरफ फैला के आपको डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। और बस थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चावल ऐड करना है, बस धीरे धीरे चावल हाथों से अच्छे से ऐड करनी है। आधा चावल आपको, हाफ चावल डालना है इसमें चारों तरफ फैला के। देखिए हाफ चावल मैंने डाल लिया है। अब जो बचा हुआ गोश्त है उसको भी इस चावल के ऊपर लेयर लगा देनी है हमें, गोश्त की और आलू की, जो बची आलू और गोश्त है सारी लेयर इसमें लगा देनी है हाफ चावल के बीच में। देखिए इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैंने फैला के लगा लिया है जैसे पहले लगाया था। एक जगह पर आपको नहीं डालना है, बस हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा बिस्ता ऐड करना है बचा हुआ, और गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। नीचे की लेयर में भी मैंने बिस्ता और गर्म मसाला ऐड किया था। अब थोड़ा सा तीरा इसमें भी डालना है मुझे, बस तीरा डाल दिया है बस। और यहाँ पे आलू बुखारा ऐड कर लिया है मैंने। चावल की सारी लेयर जो है लगा देनी है, तो जितनी भी चावल बची हुई है सारी लेयर अब लग जाएगी। तो पूरी चावल को इसमें ऐड कर लेना है मुझे। तो देखिए चावल पूरा मैंने ऐड कर लिया है। अब जो तीरा मैंने रखा हुआ है सारा तीरा इसमें डाल देने, ऊपर से थोड़ा सा बिस्ता बचा हुआ था वो भी डाल दिया मैंने, और तीरा को भी इसमें हमें ऐड कर लेना है। तो तीरा आपके ऑप्शनल है, तीरा आप जितना भी डालना है डाल सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा लगे तो फिर रख सकते हैं। अब गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया ऊपर मैंने। अब यहाँ पर फूड कलर जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था रोज़ वाटर में, वो फूड कलर को चारों तरफ से ऐसे आपको डाल देना है। बस फूड कलर डाल दिया है देखिए। अब इसकी लेयर लगा देनी है, बस दम में लगाना है इसको, कपड़े में ढक के बस 10 से 15 मिनट तक इसके ऊपर भारी सामान रख के आपको गैस ऑन करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स मेरा दम लग चुका है, तो बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है और मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कलर आया है इसका। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरी रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट रेसिपी का इंतज़ार करिए। तब तक कमेंट में मुझे ज़रूर बताते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।